अगर आप लौंग का इस्तेमाल नॉर्मली अपने घरों में कर रही हैं और आपको नहीं पता कि इसके कितने बेनिफिट्स हो सकती हैं सेक्सुअलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्लस आपको कितना यूज़ करना चाहिए और किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इन सब चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। प्लस इसके अलावा मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी वीडियो के एंड पे जिसका सही जवाब देने वाले को एक फ्री कंसल्टेशन मिलेगी मरहम की तरफ से। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तोसीफ। अब बेसिकली हम अपने घरों में ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्लोव को, जिसको हम लौंग भी बोलते हैं। ये एक ऐसी स्पाइस है जो काफ़ी टाइम से हमारे घरों में यूज़ हो रही है, हमारे डिफरेंट डिशेस में, मुख्तलिफ तरह के खानों में इस्तेमाल करते हैं हम इसका। और प्लस हमें पता नहीं होता कभी कभी हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम उसको किस तरह से अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं मज़ीद फ़ायदों के लिए, ताकि हम मज़ीद उससे बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकें। तो प्लस इसके अलावा कहा यह जाता है कि अगर जो लौंग है उसका इस्तेमाल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स नहीं बल्कि आपकी सेक्सुअलिटी के लिए, आपकी फर्टिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है। किस तरह से इम्प्रूव करता है? अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत मेल्स और फीमेल्स की फर्टिलिटी को इम्प्रूव ये इस तरह से करता है कि इसके यूज़ से मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो मेल फर्टिलिटी, ये टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, तो आप इसका यूज़ कर सकती हैं फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम विमेन की बात करें, औरतों की, ख्वातीन की बात की जाए, तो उनमें एक हार्मोन होता है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये कैसा हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुएशन के लिए, ओव्यूलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो वो उसकी जो लेवल है वो ये बढ़ा देता है, जिससे कि आपको जो इरेगुलर पीरियड्स होती हैं उसका इशू जो है वो ख़त्म होता है। आपके कभी कभी पीरियड्स में जो पीरियड्स का फ्लो जो होता है उसको रिस्टोर करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन जो है उसको इन्हेंस करने के लिए, उसकी मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही क्योंकि आपकी फर्टिलिटी जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका लिंक आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ है, अगर आप ओबीज हैं या फिर आपको ओबेसिटी का इशू है, आपको मोटापे का इशू है, तो आपकी फर्टिलिटी काफ़ी हद तक अफेक्टेड होती है उससे, तो उस चीज़ में भी आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। और जितना आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा आपको ओबेसिटी का ख़तरा जो है उतना ही आप उससे दूर रहेंगे, उतना जो उसके चांसेस होते हैं आपके अंदर उतने ही कम होंगे। तो आप लौंग का इस्तेमाल ओबेसिटी के लिए भी कर सकते हैं, वेट लॉस करने के लिए भी कर सकते हैं। अब ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि अगर इसके अलावा और भी देखा जाए तो जो लौंग के इस्तेमाल से जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में बढ़ जाता है, जिससे कि सेक्सुअलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। अब इसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स देखे जाएँ तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लिवर हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं, आपकी लिवर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं, जैसे कि सिरोसिस में या फिर कोई भी फैटी लिवर डिज़ीज़ होती है आपको, आप वो उसमें भी लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप मज़ीद भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रही हैं तो आपको मरहम के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल सकती हैं, काफ़ी कंटेंट मिल सकता है। अब वीडियो को आगे बात करें तो इसके अलावा अगर बेनिफिट्स की बात की जाए लौंग की, तो ये एंटी डायबिटिक भी इसके अंदर इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो आप उस टाइम पर भी लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ और एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल को ये बैलेंस आउट रखता है, और जितना आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा आप उतना ही अल्टीमेटली जो हार्ट डिजीज़ हैं उसका रिस्क आप में उतना ही कम होगा। अब ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि काफ़ी कॉमनली आपको मिल सकते हैं लौंग के इस्तेमाल से। अब बात ये की जाए कि आपने लौंग का इस्तेमाल किस तरह से करना है और इसकी सेफ रेंजेस क्या होती हैं और आप किन चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कब आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, उस बारे में बात करें तो सबसे पहले आप इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। आप नॉर्मली 2 से 3 जो है लौंग के दाने लें, उसको 1 गिलास पानी में 2 कप पानी में आप उसको बॉयल कर लें 15 मिनट के लिए, और वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। डेली बेसिस पे अगर आप यूज़ करें तो जो आपको सिर्फ मज़ीद जो फ़ायदे हैं वो भी मिल सकते हैं। अब सेफ़ रेंजेस की बात की जाए तो आप 1 दिन में 2 से 3 लौंग जो है वो
सेफली यूज़ कर सकते हैं, उसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। साइड इफ़ेक्ट आपको तब होगा जब आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रही हैं जो कि ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि एस्पिरिन हो गई या वारफेरिंस हो गई, इनके साथ अगर आप लॉन्ग ले रही हैं तो तब आपको साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी मेडिकेशन आप ले रही हैं, मेडिसिन आप ले रही हैं, आप उसमें और लॉन्ग के इस्तेमाल में थोड़ा सा गैप रखें, तकरीबन 3 से 4 घंटे का गैप रखें। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल का इशू है कि आपका आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, या फिर अगर इसके अलावा आपको इशू होता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो उस टाइम पे भी आपने लॉन्ग का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया का इशू है तो उस टाइम पे आप लॉन्ग का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं या आपके दिमाग में कोई भी सवाल है जो आप क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपकी अपनी हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रहे हैं, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया। We'll be right back.